अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 2 मिनट में बनने वाले चॉकलेट मग केक की रेसिपी। तो चलिए झटपट वाली रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले कॉफ़ी मग में डालेंगे 2 टेबलस्पून जितना मैदा, 2 टेबलस्पून जितनी पिसी हुई चीनी। उसी के साथ में डालेंगे चुटकी भर बेकिंग पाउडर, चुटकी भर बेकिंग सोडा, 1 टेबलस्पून कोको पाउडर, 1 टेबलस्पून ऑयल, 1/2 टीस्पून वनीला एसेंस। आप चाहो तो ऑयल की जगह मेल्टेड बटर का भी यूज़ कर सकते हो। थोड़ा थोड़ा दूध डालकर इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मीडियम जैसा बैटर बना लेंगे, बहुत ज़्यादा पतला बैटर नहीं बनाना है। इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। इसे मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। अब इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून वाइट विनेगर। विनेगर डाल के थोड़ा इसे मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से बैटर बनाकर तैयार कर ले। अब हम इसके अंदर डाल देंगे चॉकलेट। इस तरीके से इसमें चॉकलेट डाल दे। आप चाहो तो डेयरी मिल्क का भी यूज़ कर सकते हो। उसे थोड़ा मिक्स कर लेंगे ऊपर से। अब इसे हाई मोड पे 2 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर लेंगे। यहाँ हमारा चॉकलेट मग केक बनकर तैयार है। आप इसके ऊपर डालें हर्षी या फिर चॉकलेट सिरप। मैंने यहाँ हर्षी सिरप डाला है। थोड़ा सा गार्निश कर देंगे, थोड़ा सा ऊपर गार्निश कर देंगे चोको चिप के साथ। आप चाहो तो इसके ऊपर न्यूटेला भी ऐड कर सकते हो। आप इस गर्मा गर्म चॉकलेट मग केक की रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करें। ट्राई कर मुझे बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए दूसरी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं, वेनिला मग केक। तो यहाँ सबसे पहले हम कॉफ़ी मग में डालेंगे 2 टेबलस्पून जितना मैदा, 2 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी, चुटकी भर बेकिंग पाउडर, चुटकी भर बेकिंग सोडा, 1 टेबलस्पून तेल, 1 टीस्पून वनीला एसेंस, 1/2 टीस्पून विनेगर। अब इसमें डालेंगे दूध। थोड़ा थोड़ा दूध डालकर मीडियम बैटर बना लेंगे। जिस तरीके से हमने चॉकलेट मग केक का बैटर बनाया था उसी तरीके से बैटर बनाकर तैयार कर लेंगे। यहाँ मैंने मिक्स कर तैयार कर लिया है। इसे भी 2 मिनट के लिए हाई मोड पर माइक्रोवेव कर लेंगे। यहाँ हमारा वेनिला मग केक बनकर तैयार है। मैंने इसे सजा लिया है थोड़ी व्हिप क्रीम के साथ और थोड़े से कलरफुल बॉल के साथ। आप भी इस वेनिला मग केक की रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करें। यहाँ हमारे दोनों मग केक बनकर तैयार है। आप भी इस मग केक की रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करें। ट्राई कर मुझे बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।